हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्षितिज भाग दो सूरदास के पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेकर के चल रहे हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान या अति बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता थी। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम भाव से वंचित थे। ऐसा गोपियों के अनुसार इस पद में कहा गया है। प्रश्न दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों के द्वारा उद्धव जी के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता, उस पर पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से तेल लगी हुई मटकी को जल में डुबाने पर उस पर एक पानी की बूंद भी नहीं रुकती है। उद्धव भी इसी तरह से पूरी तरह अनासक्त था। वह श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त था। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलहाने दिए थे? गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उलहने दिए थे। उन्होंने उसे बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना था, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया था। उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग के संदेशों के कारण वे वियोग में जलने लगी थी। विरह के सागर में डूबती गोपियों को पहले तो आशा थी कि वे कभी न कभी श्री कृष्ण से मिल ही जाएंगी, लेकिन उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले योग साधना के संदेश के बाद तो वे प्राण त्यागना ही चाहती थी। उद्धव का योग तो कड़वी ककड़ी के समान व्यर्थ था, वह तो योग रूपी बीमारी उन्हें देने वाला था। गोपियों ने उद्धव को वह गुरु माना था जिसने श्री कृष्ण को भी राजनीति की शिक्षा दे दी थी। गोपियों ने वास्तव में जिन उदाहरणों के माध्यम से वाक् चातुरी का परिचय दिया है और उद्धव को उलहाने दिए हैं, वह उनके प्रेम का आंदोलन है। उनसे गोपियों के पक्ष की श्रेष्ठता और उद्धव के निर्गुण की हीनता का प्रतिपादन इस पद में हुआ है। प्रश्न चार, उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से कि गोपियों को श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि सदा जलाती रहती थी। वे हर समय उन्हें याद करती रहती थी और उन्हें उनकी याद में ही तड़पती रहती थी। फिर भी उनके मन में श्री कृष्ण के मिलन की एक आस थी, उम्मीद थी कि जब श्री कृष्ण मथुरा से वापस व्रज क्षेत्र में आएंगे तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाएगा। वे अपने हृदय की पीड़ा को उनके सामने प्रकट करेंगी। जबकि श्री कृष्ण की जगह उद्धव उनको योग साधना का संदेश देता है तो गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचन से जैसे दहक उठा। योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, इसलिए उन्होंने उद्धव को सामने और श्री कृष्ण की पीठ पर मनचाही जलीकटी सुनाई थी। प्रश्न पांच, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर लिखेंगे,
गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना सब सुख चैन खो दिया था। उन्होंने घर बाहर का विरोध करते हुए अपनी मान मर्यादा की परवाह नहीं की थी, जिस कारण उन्हें सबसे भला बुरा भी सुनना पड़ा था। परंतु जब श्री कृष्ण ने ही उन्हें उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा, तब उन्हें ऐसे लगा कि कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने से उनकी पूरी मर्यादा ही नष्ट हो गई थी, उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिटा दिया गया था। छठवां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उन्हें तो सिवाय श्री कृष्ण के और कोई नजर ही नहीं आता था। वे तो उनकी रूप माधुरी में इस प्रकार से उलझी हुई थी जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर आसक्त होती हैं। जब एक बार चींटी गुड़ से चिपक जाती है तो उससे कभी भी छूट नहीं पाती। वे उसके लगाव में अपना जीवन त्याग देती हैं। गोपियों को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया था। वे तो हरिल पक्षी के तिनके के समान वचन, मन और क्रम से उनसे जुड़ी हुई थी। उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते वे उन्हें ही याद करती रहती थी। प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को ऐसे लोगों को शिक्षा देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि हो, जिनका मन चंचल हो।